Vivo X70 Pro कैमरा डिपार्टमेंट में सभी दूसरे स्मार्टफोन को धूल चटा रहा है, परंतु क्या यह वीडियोग्राफी के अंदर भी ऐसा ही होगा? इसका अनबायस्ड वीडियो रिव्यू यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो भी वीडियो है वो डायरेक्ट इसी कैमरा से ली गई है, इनको एडिट नहीं किया गया है। यहाँ पे 4K नाइट मोड, लो लाइट, पोर्ट्रेट मोड और सारे के सारे ऑप्शंस जो यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके साथ मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। सो अल्ट्रा वाइड में आपको सिर्फ 1080p मिलेगा और 1x पे जाते हैं तो आपको 4K का ऑप्शन भी मिल जाता है। 2x, 5x के ऊपर भी आपको सिर्फ 1080p मिलता है। तो यहाँ पे जूम के लेवल में सिर्फ 2x जूम के ऊपर ही आपको इस तरह का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद ये 1080p के अंदर चला जाता है। उसके बाद आप इसको कितना भी जूम कर सकते हैं। What about the human faces? अब यहाँ पे एक बार रिजोल्यूशन चेंज कर लेते हैं, 4K सेलेक्ट करते हैं। सिर्फ दो ऑप्शन यहाँ पे अपने को 4K के अंदर मिलते हैं, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। लेट मी रिकॉर्ड दिस 30 FPS, दिस इज 30 FPS। एंड ड्यूरिंग दिस वी कैन जूम आल्सो, zooming is not so much smooth. This is due to gimbal calibration. And from this we can directly take a photo during a video recording also. And let me stop this recording. Now this was the Pro mode, but let me take videos directly from here. There are the different filters in this case, and this is the super standard stabilization, ultra stabilization and turn off. Initially I am taking to standard stabilization. चलिए एक नॉर्मल मूवमेंट के साथ ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ज़्यादा दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन फेसेस को आप देख सकते हैं, शेडोज को, और किस तरीके से सनलाइट को इसने बैलेंस किया है। काफ़ी हिल रहा है हाथ, बट फुटेज काफ़ी स्टेबल है। वीडियो क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे 10x जूम तक हम इसको कर सकते हैं, बट नॉइस रिडक्शन वहाँ पे नहीं मिलेगा। और इतनी जूम के बाद ये क्वालिटी भी बहुत ख़राब है, किसी यूजेबल नहीं है, कहीं पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। चलिए 4K 30 FPS के ऊपर ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी फुटेज मिल रही है, आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ह्यूमन फेस को काफ़ी अच्छे से इसने कलर वगैरह यहाँ पे मेंटेन रखे हैं, और शेडो एंड जो यहाँ पे हाइलाइट्स है वो भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। ये चलते हुए है स्टेबलाइज्ड मोड के अंदर, यहाँ पे मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी स्टेबलाइज्ड फुटेज यहाँ पे मिली है, आप देख सकते हैं क्वालिटी इसकी। दिस इज अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन, 4K 30 FPS वीडियो इज दिस, एंड यू कैन सी यहाँ पे इसका अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन जो है उसका इफेक्ट देखिए। वाह, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से मैं रोटेट कर चुका हूँ फ़ोन को, बट ओरिजिन लेवल के ऊपर कोई असर नहीं है। ये है इसका वीडियो क्वालिटी और ये है स्टेबलाइजेशन का असर। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इतने अच्छे कैमरा फोन से और ऐसी क्वालिटी, इट्स रियली वेरी बैड, बट स्टेबलाइजेशन बहुत मस्त है। आजकल एक कॉमन सी फीचर है, लगभग सभी फोन्स के अंदर हमें मिल जाती है, वो है वीडियो के दौरान अगर आप कैमरा को स्विच करवाएं, यानी बैक से फ्रंट कैमरा और फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा। बट यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर आपको इस तरह की ऑप्शन नहीं मिलती, आप ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग स्विच नहीं कर सकते बैक और फ्रंट में। उसके लिए आपको वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा और उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं कैमराज को बैक एंड फ्रंट में। इस फोन की एक अच्छी बात यह है कि इसकी वीडियो के अंदर भी बोके इफेक्ट यानी कि पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन दिया गया है, इससे आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं वीडियो के अंदर भी। देखते हैं उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी।
आई थिंक फोकस चेहरे के ऊपर नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे इस क्लिप के अंदर मुझे फोकसिंग में थोड़ा सा इशू नज़र आया, और जब ये दूसरी क्लिप देखते हैं तो स्टेबलाइजेशन भी हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। सारी चीज़ें काम की नहीं होती, कुछ नाम की भी होती हैं दिखाने के लिए, बट कंपनी को एटलीस्ट इसमें अपडेट देके इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। यहाँ पे ये कुछ एक आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं इस कैमरा ऐप के अंदर। प्रो स्पोर्ट्स मोड है जैसे, यहाँ पे HDR का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे सेल्फी के अंदर जाते हैं, कैमरा क्वालिटी अगर हम बात करें तो मुझे बेटर लगी इन कंपैरिजन टू जो मेन कैमरा है उसके मुकाबले, बट एक्सपोजर ये बैक में नहीं कर पा रहा है। बोके इफेक्ट सेल्फी के अंदर भी दिया गया है, ये देखिए, अब देखिए इस पर बाकायदा अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा है बोके को ये, बट मेरे हाथ में जो ये गिम्बल है, जो कैमरा है, इसको ये ब्लर कर रहा है जबकि ब्लर नहीं होना चाहिए था। तो कर रहा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बट उतनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे बोके की नहीं कही जा सकती। एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहा, एज इज़ आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए इस जगह को चूज़ किया है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो, यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं पेड़ की वजह से, जो धूप और छाया यहाँ पे अलग अलग हिस्सों में नज़र आ रही है उसकी वजह से क्वालिटी आप बेटर ऑब्जर्व कर पाएंगे। जैसी भी क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पे इसके साथ अगर मूव करता हूँ तो देखिए वीडियो इफेक्ट ठीक ठाक दे रहा है यहाँ पे, और क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी इसने बैकग्राउंड को ब्लर किया है, काफ़ी अच्छा ब्लर किया है। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं वीडियो के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फ्रेम रेट 1080p पे था, 1080p पे ही मिलेगा हमें। यहाँ पे 4K का ऑप्शन हमें रिजोल्यूशन के अंदर नहीं मिल रहा है। खैर, अगर बोके इफेक्ट को बंद कर दें यहाँ से, हम इस तरीके से कर सकते हैं टर्न ऑफ, ये टर्न ऑफ कर दिया। अब देखते हैं रिजोल्यूशन, अगर रिजोल्यूशन देखें तो अभी भी हमें सिर्फ दो ही रिजोल्यूशन इसके अंदर मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4K के अंदर हम यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग हम सिर्फ 1080p या 720 पे कर सकते हैं। अगर 1080p के ऊपर भी बात करें तो ज़्यादा हमें फ्रेम रेट यहाँ पे नहीं मिल रहे, दो ही फ्रेम रेट हैं, 24 है और 30 FPS का है। अब यहाँ पे ये एक प्रो मोड का वीडियो में मैंने यूज़ किया है, बिल्कुल लो लाइट के अंदर है, देखना ये है ये क्वालिटी कैसी देगा। और यहाँ पे ये बिल्कुल बारीक से अक्सर हैं, ये पढ़ पाएगा कि नहीं, मैं इसको एक बार फोकस कर रहा हूँ इसके ऊपर। ऑटोमेटिकली फोकस तो नहीं हो पा रहा, बट इसको फोकस करना पड़ता है। यहाँ पे इसने इसके ऊपर ये ऑटोमेटिकली फोकस हो गया। अभी साइड में जो मोनिटर है उसको देखते हैं, अभी देखिए ये इस पर नहीं हो पाता, हमें क्लिक करना पड़ता है ऑटो फोकसिंग के लिए। यहाँ पे भी अभी भी नहीं हुआ। अभी मैं इसको ऑटो फोकस, क्योंकि नाइट लाइट की जो सेटिंग्स हैं उसको हम देख रहे हैं। यहाँ पे जूम कर दिया है मैंने, 2.7 जूम है ये, अब बढ़ता जा रहा है, और ये है इसका 5.7 जूम, 6.2 इससे ऊपर भी जा रहा है, 7.2 यूजलेस होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 10 टाइम्स जूम है, और इस 10 टाइम जूम के ऊपर तरह के वीडियोज आपको मिलेंगे। वेल, अभी बात करते हैं एक बार इस, धीरे धीरे मैं इसका जूम आउट करता जा रहा हूँ इसको, और ये एक अच्छी बात है, जूम आउट है वो काफ़ी स्मूथ है। ये डिजिटल जूम था, अब ये ऑप्टिकल कोई जूम है तो वो है, और आप देख पा रहे होंगे इसमें धीरे धीरे बाकी सबको तो ब्लर किया है, और ये काफ़ी लो लाइट कंडीशंस हैं, ऐसी स्थिति में ये इस तरह के वीडियोस बना रहा है। अभी मैं हाथ को देखते हैं, देखिए इसके ऊपर फोकस है, बाकी सारी चीज़ों को इसने ब्लर किया हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह के वीडियोज़ होंगे। हेयर ऑन माई हैंड्स आप देख सकते हैं, अगर ये साफ़ सुथरे नज़र तो आते हैं तो ठीक है, हाथ के जो मार्क्स हैं जितने भी निशान हैं वो आपको ठीक ठाक नज़र आ रहे होंगे। लो लाइट में पोर्ट्रेट मोड अभी हमने चेक किया, ये इसका नाइट लाइट ऑप्शन है शाम के 6 बजे अक्टूबर के महीने में। और यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम इसमें एक है कि ये देखिए इस तरह से जर्क से झटके महसूस होंगे आपको इस टाइप के, ये इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसको सॉफ्टवेयर द्वारा या कैसे भी अपडेट के द्वारा इसको ठीक किया जाना चाहिए। और ये प्रॉब्लम सिर्फ रात को ही नहीं, दिन में भी जब मैंने इसके वीडियो रिकॉर्ड किए और स्टेबलाइजेशन ऑन किया तो भी प्रॉब्लम आई। हो रही है किस तरह की, ये रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसी है, और वीडियो में जब आएंगी तब देखेंगे किस तरह की आती हैं। दिस इज द स्टेबलाइजेशन व्हिच आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस फोन। क्या हो रहा है इसमें मुझे नहीं पता, बट 2 times जूम करते हैं तो ये इस तरह के इफेक्ट्स हमें देता है। देखिए आप
अब कुछ आई थिंक स्टेबल होगा, मैं इसको बंद, और बेटर वीडियोस मुझे मिले जब स्टेबलाइजेशन को ऑफ कर देता हूँ। तो या तो ये कोई बग है इसके अंदर, या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको सॉफ्टवेयर द्वारा एटलीस्ट कंपनी को ठीक जरूर करना चाहिए, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑन किया है और मैं मूव कर रहा हूँ, देखिए कितना स्मूथ है, उसको ये कैप्चर नहीं कर पा रहा था। स्टेबलाइजेशन आप चेक कर सकते हैं, मैं मूव कर रहा हूँ इसको, हिला रहा हूँ ऐसे ऐसे जैसे भी, परंतु ये काफ़ी अच्छी ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए। अभी एक बार इसके सैंपल लेते हैं, ये वीडियो सैंपल देखिए। फोकसिंग में आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इतना जल्दी ऑटो फोकस नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। इतना कैमरा हमने देखा फोटोज़ के अंदर, उतनी अच्छी ज़्यादा क्वालिटी यहाँ पे हमें इसके अंदर नहीं मिली, बट फिर भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो 4K मोड की अगर बात करें 60 FPS पे हमें मिल रहा है, तो वो काफ़ी अच्छी ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिल जाती है। 4K 60 FPS में आमतौर से बहुत सारे फ़ोन्स नहीं दे रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग आज की तारीख में, बट इसके अंदर हमें मिल रही है। कुछ वीडियो सैंपल्स मैंने लिए थे, जो भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल पाई, जो भी एग्जैक्ट क्लिप्स मुझे ली वो मैंने दिखाई। दूसरा, इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं की, एज इट इज़ जो वीडियो थी वो इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे आपके लिए डाली है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से देख के कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। जहाँ तक मुझे दिखाई दिया, जो एक्सपेक्टेशंस मुझे थी, उतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी यहाँ पे Vivo X70 Pro के अंदर वीडियो के लिए मुझे नज़र नहीं आई। इससे बेटर वीडियो के लिए अगर आप स्पेशली कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा आईफोन आप ले सकते हैं सेम प्राइस के अंदर, आईफोन 12। उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, फोटोग्राफी के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट वीडियो के अंदर वो काफ़ी अच्छा है अगर आपकी वीडियो की प्रेफरेंस है तो। अगर आप इतना ज़्यादा पे नहीं करना चाहते तो उसका एक बेस्ट अल्टरनेट आपको यहाँ पे मैं बताऊँ कि DJI का ओस्मो पॉकेट कैमरा आप खरीद सकते हैं। उसके लिए मैं वीडियोज़ पहले बना चुका हूँ इसी चैनल के ऊपर और कंपेयर भी किया है मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैमराज के साथ। आप यकीन मानिए वहाँ पर सबसे बेस्ट क्वालिटी के वीडियोज़ आपको मिलते हैं, DSLR जैसे तो नहीं कह सकता मैं, बट वहाँ पे आपको जो खास चीज़ें मिलेंगी, एक तो इमेज होगी, जो आप जो प्रेजेंट वीडियो भी देख रहे हैं वो भी मैं ओस्मो पॉकेट की हेल्प से ही बना रहा हूँ। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हैं, फेस ट्रैकिंग आप देख सकते हैं, साउंड भी आप देख सकते हैं कैसी आ रही है, वो भी इसी से आ रही है। तो आई थिंक अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो अभी जो प्रेजेंटली सेल की बात करें तो यहाँ पे आपको वो 12,000 के आसपास मिल जाएगा। अगर सेल नहीं भी हो तो भी आपको 14-15,000 के आसपास मिल जाता है। और दूसरा, उसकी जो स्टेबलाइजेशन है और फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जो फ़ोन में आपको कभी नहीं मिलेंगी। कितना ही तगड़ा क्यों फ़ोन क्यों ना हो, वो उसके इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर आपको यहाँ पे गिम्बल स्टेबलाइजेशन मिलती है। अभी आप देख रहे हैं मैं हिला रहा हूँ इसको, इधर उधर चल रहा हूँ, बट यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन दे रहा है, जहाँ पे जो वीडियो क्वालिटी दे रहा है, वो कभी भी कोई भी कैमरा फ़ोन आपको नहीं दे सकता। तो इसलिए अगर आपकी वीडियो प्रेफरेंस है तो आप इस डिवाइस के लिए जा सकते हैं। वेल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद नहीं आया हो तो दो बार डिसलाइक कीजिए और बताइए मुझे कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई, क्या मुझे इंक्लूड करना चाहिए था, क्या मुझे भी यहाँ पे उसी तरह के पेड रिव्यूज़ देने चाहिए। वेल, मेरी कोशिश यही है कि आपको अनबायस्ड रिव्यू मिले और एग्जैक्ट रिव्यू मिले जो एक आम आदमी के तरीके से आपको मिल पाए। प्रोफेशनली मैं यहाँ पे उन चीज़ों को शो नहीं करना चाहता, अगर चाहूँ तो वो भी हो सकता है, बट मैं नहीं चाहता आपको वो चीज़ें मिले जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं। तो जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं, उसके बारे में नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस डे, थैंक यू वेरी मच।